कल ही एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम कह रहे थे कि कल की 2898 का हाइप कहाँ है, जहाँ पुष्पा पार्ट 2 का हाइप इतना ज्यादा है कि 2 करोड़ आज के दिन रिलीज होगी तो आज के दिन कमा लेगी। लेकिन कल की 2898 का बजट है 600 करोड़ का, लेकिन हाइप नहीं है। लेकिन आज जो इस फिल्म का एक ग्लैमरस टीजर निकला अमिताभ बच्चन का, जो कि अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, इतना जबरदस्त है कि हाइप तो अपने दौड़ के आएगी इसके पास हाइप। इतना जबरदस्त टीजर को काटा गया है। और इस फिल्म का जो पहला पोस्टर निकला था और टीजर निकला था, इतना जबरदस्त टीजर था, उस समय तो हाइप था वो 1 साल बीत चुका हो टीजर का। लेकिन आज जो हाइप बनना शुरू हुआ है, ये तहलका मचाने वाला है। कहा जा रहा था कि इस फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन किया गया, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई कन्फर्म नहीं है। ये फिल्म 9 मई को ही आएगा, लेकिन देखिए हो सकता है कि इलेक्शन है सामने में, अगर पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन टीजर की बात कर लेते हैं, टीजर में जो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग डिलीवरी है, उसका जो लुक है काफ़ी खतरनाक है। और इस फिल्म में VFX काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ऊपर से अमिताभ बच्चन का जो यंग वाला जो लुक है, उसमें जो VFX यूज किया गया, A1 से ही कैरेक्टर को डिजाइन किया गया, इतना ज़बरदस्त रियल लग रहा है ना, मत पूछिए। लग रहा है फिल्म को अच्छे लेवल पर बनाया गया है। ऊपर से इस फिल्म के महाभारत से लिंक है, अश्वत्थामा तो महाभारत में ही था, उसका अलग कहानी है जिसको आपको डिटेल वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी टीजर में इतना ज़बरदस्त वाइब और बैकग्राउंड म्यूजिक है, उस पे से अमिताभ बच्चन का डायलॉग डिलीवरी इतना ज़बरदस्त लगता है, ये फिल्म तो अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे फाड़ के रख देगी, इतना ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी। और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे प्रभास, तो अलग लेवल पर होने वाली है, क्योंकि प्रभास अभी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार की लिस्ट में आते हैं। और प्रभास का आदि पुरुष के बाद तो थोड़ा दिन भी खराब चल रहा था, लेकिन सलार से वो कमबैक कर चुके, सलार ने भी 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब प्रभास के फैंस भी काफ़ी खुश है, वह भी फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है। प्रभास का फैंस तो वैसे भी आदि पुरुष इतना बकवास फिल्म था तो पहले दिन 140 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म में प्रभास के साथ अब अमिताभ बच्चन, कमल हासन, लीड एक्ट्रेस के तौर पे दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी जैसी स्टार नजर आने वाली है। ऊपर से 600 करोड़ के बजट बनाया है और डायरेक्टर है नाग अश्विन, जिसने पहले ही इसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ये फिल्म तो तावातोर कमाई करेगी। और नाग अश्विन इस फिल्म को बड़े लेवल बनाया, ये तो लग रहा है कि उसने काम किया इस फिल्म पर। 600 करोड़ खर्च किया गया, जहाँ 600 करोड़ आदि पुरुष बनाया था उस तरह का VFX था। लेकिन इस फिल्म का जो टीजर था, अमिताभ बच्चन का लुक, उसमें जो डिजाइन किया गया, इतना ज़बरदस्त है, लग रहा है कि खर्च किया गया फिल्म में। और टीजर में जो बच्चा का था, पहले तो इस फिल्म का टीजर निकला था 20 सेकंड का, वो IPL के दौरान निकला था, IPL के मैच में, तो लग रहा था थोड़ा सा निकला। लेकिन इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, उसने अपना चैनल पे YouTube पे रिलीज किया है, उसमें 1 मिनट के आसपास का टीजर है, ग्लैमरस टीजर है। उसमें तो लग रहा है कि उसमें तेलुगु और हिंदी दोनों में बोला गया, एक बच्चा जो है वो साउथ के लैंग्वेज में बोल रहा है और अमिताभ बच्चन अपना हिंदी के लैंग्वेज ही बोल रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी। और इस फिल्म का बजट 600 करोड़ है, ये बहुत बड़ी बात है। 600 करोड़ में क्या नहीं हो जाता, वहाँ पर एक फिल्म बना है। ऊपर से प्रभास के तो फिर से देखने के लिए एक्साइटमेंट है ही फिल्म में। अमिताभ बच्चन का लुक काफ़ी अच्छा है, फिल्म का टीजर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है, काफ़ी चालाकी से इस फिल्म को प्रमोशन कर रहे हैं। IPL के दौरान इस फिल्म को प्रमोशन किया, 7 बजे का टाइम दिया था, जो 7 बजे इस फिल्म का टीजर आया। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के बाद कमल हासन का लुक आएगा, फिर प्रभास का अपना कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, फिर दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी का, इस हिसाब से हाइप बनाएगा तो ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन ट्रेलर का डेट मिल जाता तो और ज़बरदस्त रहता। और फिल्म कब आएगी मेकर्स के तरफ से फाइनल कर देना चाहिए। आपको अमिताभ बच्चन का लुक कैसा लगा और टीजर कैसा लगा, कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।